देखें ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहते हैं दुनिया में अगर सबसे ऊंचा दर्जा किसी को दिया जाता है तो वो है गुरु। उनके आदर और सम्मान को बढ़ाने के लिए ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु को अगर हम अलग अलग लिखें तो गु का मतलब अंधकार होता है, तो वहीं रू का अर्थ प्रकाश ज्ञान होता है, अर्थात हमारे जीवन से अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर मनाई जाती है। इसी के चलते इस बार की गुरु पूर्णिमा 27 जुलाई 2018 को पड़ रही है। हमारे देश में महान राजा हुए हैं, वहीं उनको महान बनाने वाले गुरु ही हैं, जिसकी वजह से कोई भी राजा महान बन पाया है। हमारे देश के पहले गुरु महर्षि व्यास को माना जाता है, जिन्होंने व्यास सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या की थी। तो वहीं महर्षि व्यास संस्कृत के सबसे बड़े ज्ञानी थे। पूर्णिमा के दिन ही महाभारत जैसे काव्यों को लिखने वाले द्वीपायन व्यास का जन्म हुआ था। इसके अलावा उन्होंने सनातन धर्म के वेदों की रचना की थी। यही वजह है कि गुरु द्वीपायन को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गुरु वेद व्यास को आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन सबके अलावा गुरु पूर्णिमा को कुछ लोग व्यास पूर्णिमा के नाम से भी मानते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा 2018 में 27 जुलाई को पड़ रही है, जिसको मनाने के लिए लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, साथ ही अपने गुरुओं के आदर सम्मान के लिए साधु मुनियों को दान करते हैं। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।